शहर के कई इलाकों में पानी की कमी, पार्षद उतरे धरना प्रदर्शन पे। शहर के सबसे पुराने मोहल्लों में से एक रीवा का रानी तालाब मोहल्ला, इसे नगर निगम की भाषा में वार्ड 40 कहा जाता है। यहाँ पर कहने के लिए तो नई पाइपलाइन बिछ गई है, लेकिन वह नाकाफी है। इस मोहल्ले में पानी की भारी किल्लत देखी जा रही है। इसके चलते वार्ड नंबर 39 और 40 के लोग अपने पार्षद के साथ पानी की समस्या सुलझाने के लिए नगर निगम पहुंच गए। नगर निगम पहुंचने के बाद कमिश्नर रीवा के कार्यालय के बाहर उन्होंने जमकर नारेबाजी की। इनका कहना था कमिश्नर रीवा तत्काल ही पानी के लिए बेहतर व्यवस्था करें, जबकि मोहल्लों में नई पाइपलाइन पर बिछा दी गई है। उस पाइपलाइन में पानी की एक बूंद भी अभी तक नहीं निकली है। वार्डवासियों का कहना है अगर इस नई पाइपलाइन में पानी की उचित व्यवस्था नहीं की गई, उसे टंकी से नहीं जोड़ा गया, तो वो उग्र आंदोलन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। 6 बजे से खड़े कर 9 बजे रात खड़े रहें, पानी जाए मगर लोग तरफ सरकारी नल लगना चाहिए। इतना बस्ती है, सरकारी नल काहे नहीं लागा सर? न पानी ना कोई नल ना है, समझ लो कुछ नहीं, कोई साधन नहीं है। 40 वार्ड मैं गया तो चरावर माता के पास कोई साधन नहीं है, कोई नाली ना कोई नल नहीं है। 40 का पार्षद सरोज बंसल अपनी जनता के लिए पाइपलाइन और नई पाइपलाइन डली है, और मेरी जहां पाइपलाइन नहीं पड़ी है वहां पाइपलाइन डलनी चाहिए। हमारी जनता वार्ड नंबर 40-39 की पानी के लिए कई सालों से परेशान है। हम नगर निगम में पार्षद बन के आए हैं, जब से पार्षद बने हैं तो पाइपलाइन के लिए कई बार आवेदन लगा चुके हैं, लेकिन वार्ड नंबर 40 में कोई समस्या नहीं देखी जा रही है। आयुक्त नगर निगम के आते हैं, बस कहते कि हाँ करेंगे करेंगे, लेकिन किसी प्रकार से कुछ नहीं करते हैं। वार्ड नंबर 40 में जनता वहाँ प्यासी मर रही है, दूर दूर एक एक किलोमीटर आधा आधा किलोमीटर दूर पानी के लिए जाते हैं। हम कई बार आवेदन लगा चुके वार्ड नंबर 40 में, लेकिन नहीं सुना जा रहा है। इस बार अगर वार्ड नंबर 40 में पानी नहीं दिया जाएगा तो वार्ड नंबर 40 की जनता के साथ अमरण अनशन करेंगे हम लोग सबको। कौन सा मोहल्ला कहलाता है? वार्ड नंबर 40 नया तालाब नई पाइपलाइन डाला गया, जब से तो पानी की बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, और अधिकारियों के पास हम लोग जाते हैं, बढ़ते हैं, उनको आवेदन देते हैं, वो सिर्फ देख के और चले जाते हैं। और हम लोग आम पब्लिक है, मतलब वार्ड की पूरी जनता 1.5-2 किलोमीटर पानी के लिए जाती है, और जब से नई पाइपलाइन मिली है जब से तो एक बूंद पानी के लिए हो गए। हम लोग करीब 3 महीने से पानी एक बूंद नहीं मिल रहा है कि पानी मिला है। हम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ शिकायत करते हैं आयुक्त कमिश्नर कलेक्टर, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि अगर पानी हम लोग को नहीं चालू किया गया कल से, जब से अगर पानी चालू नहीं किया गया तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे।